आज मैं बनाने जा रही भुट्टे की एकदम नई रेसिपी है, झटपट बनके तैयार होता है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 3 भुट्टे लिए हैं, इसको हम एक एक भुट्टे को दो दो टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से मैंने कर लिया है। उसके बाद हम इसे चक्कू से निकालना है, आसानी से इसके दाने निकल जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो दिक्कत होगा, तो उसको आप कद्दूकस भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा सॉफ्ट हुआ तो। तो इस तरह से मैंने निकाल लिया है, और देखिए सारा निकाल लिया है मैंने। उसके बाद एक मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर हमें भुट्टा सारा डाल देना है, और थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाए। मैंने नहीं डाला है क्योंकि सॉफ्ट भुट्टा था। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं फिर से मिक्सी का जार ले रही हूँ, उसके अंदर मैंने चावल डाल रही हूँ। 1 कप के करीब चावल है, इसको मैंने रात भर के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। उसको इसके अंदर हमें डाल देना है, और उसे हमें पीस लेना है, एकदम बारीक पेस्ट बनाना है इस तरह से। फिर इसी के अंदर हमें डाल देना है। चावल से क्या होता है कि ये क्रिस्पी बनेगा नाश्ता, और फिर हमें अच्छे से मिला लेना है। मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है, आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कच्चे आलू लिए थे, उसको अच्छे से धो के छील लिया है, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं फिर, और उसके बाद अच्छे से धो लिया है। 1 स्पून तेल लिया है, खाने वाला तेल। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून जीरा, उसके अंदर हमें आलू डाल देना है। आप खाने वाला कोई भी तेल ले सकते हैं जो आप यूज करते हैं। उसके बाद अच्छे से मीडियम फ्लेम पे मिलाना है। उसके बाद 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर जाएगा, फिर अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद कम से कम 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर ढक के रखना है। 2 से 3 मिनट हो गया है, आलू एकदम क्रिस्पी हो गया है। तो अब इसके अंदर प्याज जाएगा, 1 लंबा कटा हुआ, उसके बाद 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। इसके बाद फिर से हमें अच्छे से मिलाना है। अब 90% हमारा आलू कुक हो गया, तो इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हमें आलू को चेक करना है। देखिए अच्छे से पक गया है, तो अब गैस ऑफ कर देंगे, और इसके बाद खूब सारा हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर। इसके बाद अच्छे से मिला लेंगे, और एक हमें प्लेट में निकाल लेना है। इस तरह से निकाल दिया है, ये जब तक ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून के करीब, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे 3 बड़े चम्मच हमें अलग से निकाल लेना है, उसके अंदर में थोड़ा सा पानी डालना है, 3 से 4 स्पून, ताकि थोड़ा सा लूज हो जाए, वो गाढ़ा है। अब यहाँ तवा गर्म अच्छे से हो गया, तो उसके ऊपर पानी डाल के और इसे अच्छे से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद हमें इसे 1 चम्मच डालना है, उसे अच्छे से फैलाना है। आपको जितना साइज का बनाना है बड़ा, तो 2 चम्मच ले लीजिए, तो बड़ा साइज बन जाएगा। उसके बाद अच्छे से फैला लिया, और गैस का फ्लेम फैलाते समय लो रखना है। उसके बाद तेल लगाएंगे चारों तरफ, देखिए चारों तरफ तेल डाल रही हूँ, और जब 2 मिनट हो गया तो देखिए आराम से निकलने लग गया, तो उसके ऊपर जो आलू का मसाला है वो फैलाएंगे। उसके बाद इसे फोल्ड कर देंगे, इसे दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे, और इसको मैं सर्व करूंगी काट के। आप लोगों को मक्की का डोसा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।